हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल पर जो रिन्यूअल स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर रिन्यूअल स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में भी एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो स्टूडेंट्स रिन्यूअल हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे, उनको क्या करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि स्कॉलरशिप संबंधी कोई भी नई अपडेट आएगी तो वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रिन्यूअल स्टूडेंट हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे, उन्हें क्या डॉक्यूमेंट अब दोबारा से अपलोड करने होंगे, क्या उन्हें फ्री शिप कार्ड अप्लाई करना होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात है कि जो रिन्यूअल स्टूडेंट्स हैं उनको अप्लाई नहीं करना होगा। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि रिन्यूअल स्टूडेंट्स नीड नॉट टू अप्लाई फॉर न्यू फ्री शिप कार्ड। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे भी लिखा है कि रिन्यूअल स्टूडेंट्स नीड नॉट टू अप्लाई, कि रिन्यूअल स्टूडेंट्स को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही न्यू स्टूडेंट जो रिन्यूअल स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री शिप कार्ड अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो ये दोनों चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो तीसरी बात है कि जो रिन्यूअल स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। तो अगर आपने अप्लाई नहीं करना है, फ्री शिप कार्ड अप्लाई नहीं करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, तो फिर रिन्यूअल स्टूडेंट्स ने क्या करना है। तो इसके लिए आपको अपने इंस्टीट्यूट से बात करनी है कि स्कूल या कॉलेज को एक अंडरटेकिंग, एक फॉर्म देना होगा जिससे उनको कंफर्मेशन हो जाएगी आप उनके स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। तो उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है वो आपको देना होगा, या फिर स्कूल या इंस्टीट्यूट द्वारा जो भी आपको आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपने अपने इंस्टीट्यूट या स्कूल या कॉलेज को प्रोवाइड करने हैं। आपने कहीं पर भी अब अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर दिया है, आपने अपना फ्री शिप कार्ड भी अप्लाई कर दिया है, तो वहाँ पर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्लाई कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। तो इसलिए अब आपको कोई भी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो रिन्यूअल स्टूडेंट्स हैं नीड नॉट टू अप्लाई, कॉन्टैक्ट योर इंस्टीट्यूट फॉर योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आपका जो इंस्टीट्यूट होगा, स्कूल कॉलेज होगा, उनकी तरफ से ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस की जाएगी। इनका जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है अपने आप ही वहाँ पर पहुँच जाएगी। तो इंस्टीट्यूट की तरफ से वो एप्लीकेशन उनको रिसीव करनी होगी, तो वहाँ से उनको प्रोसेस करनी होगी और नेक्स्ट लाइन डिपार्टमेंट जो अथॉरिटी डिपार्टमेंट है वहाँ पर उनको फॉरवर्ड करनी होगी। तो इसलिए जो रिन्यूअल स्टूडेंट्स हैं उनको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पे करना है। आप जस्ट अपने स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट से बात करिए कि आपने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, तो अब आप रिन्यूअल स्टूडेंट्स हैं तो अभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टीट्यूट कॉलेज या स्कूल जो है वो फॉरवर्ड या प्रोसेस कर दें। उसके लिए उनसे पूछें कि उनको कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड चाहिए, तो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अंडरटेकिंग उनकी तरफ से मांगा जाता है तो आप एक अंडरटेकिंग फॉर्म दे सकते हैं उनको। लास्ट ईयर भी आपने फिल किया होगा अंडरटेकिंग, यहाँ पर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल की होगी, कौन से क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो कौन सी है, वो आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई और डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है, या लास्ट ईयर पास सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने ऑनलाइन कहीं पर भी अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है। तो काफ़ी सारे जो रिन्यूअल स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं रिन्यूअल के लिए। तो अभी मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है, कि फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। तो मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तो अगर आप न्यू फ्री शिप कार्ड अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई नहीं हो रही, तो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसी पर बनाई जा रही है कि आप अपने जो वेरिफिकेशन है, अपनी आईडी जो है उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएंगी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग वो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हमारे किसी और नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।